कौन साइड रहो भैया, अंदर से गड्ढा है जी जी। ए भैया पीछे रहिए भाई, पीछे रहिए। ये अभी गिरा है, अभी पूरा गिरा है, ये दीवार पूरी बैठ गई, दीवार पूरी बैठ गई, बैठा ये बैठा, अभी पूरी दिवालियाँ गिरी है। उस पोषण का मतलब नहीं है, रहे तो रहे होंगे, वो पोषण अलग है, सौरभ नारायण इधर है, उत्तर तरफ है, शांतनु सिंह, ये जो गिरा है वो किसका, वो है सौरभ नारायण, सौरभ नारायण सिंह का। ठीक है, हाँ पूरा सब वो बैठ गया है, क्योंकि उधर पिलर गड्ढा के पिलर बन रहा था, कोई सपोर्ट था नहीं, वो नीचे इतना ज्यादा ऊपर दिया। इस बिल्डिंग की कैसे खाता हुआ, आप बगल में रहते हैं? ये मकान नंबर 276 बी शाहगंज है, जो बाबू राधेश्याम की कोठी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर ये मकान नूतन सिंह पत्नी अवनीश सिंह का मकान है, जो कि एग्रीमेंट बिल्डर एग्रीमेंट के साथ ये मकान बन रहा था, मार्केट बन रही है, और बिल्डर एग्रीमेंट जो है वो संतोष गुप्ता बिल्डर वो हैं, वही इसको खोद के बनवा रहे थे, जिसका पश्चिम तरफ वो सौरभ नारायण सिंह का मकान था, और वो पूरी तरह से दीवार जो है वो धंस गई और पूरी उसमें गिर गई, काफ़ी लोग उसमें थे लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। अब ये जो मलबा गिरा है, यहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे और लोग भागे हैं, क्या इसमें अंदर कोई है कि नहीं है ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि पूरी तरह से मलबा ज़मीन पे आकर के गिर गया है और एक तरफ का देख रहे हैं पूरा पोर्शन धराशायी हो गया है, इसलिए जो अन्य मजदूर भागे हैं यहाँ से उनको चोट भी आई है, लेकिन अब इसमें कितने लोग हैं ये हम बता नहीं सकते। तो कितने मजदूर काम कर रहे होंगे? 3-4 मजदूर इसमें शायद काम कर रहे थे, जिसमें से 1-2 लोग भागे हैं, और उसके बाद ठेकेदार भी बता रहा है कि 2 लोग इसमें काम कर रहे थे, लेकिन वो भी आश्वस्त नहीं है कि कितने लोग थे। यहाँ पर फोर्स आ गई है, हाँ बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखिए एक तरफ की पूरी दोनों तरफ से रोडें हैं, ये त्रिकोणा मकान है और मकान यहाँ जर्जर भी है, और एक तरफ देखिए झुक गया है, किसी भी समय हादसा हो सकता है, अगर ये नहीं गिरा तो भयंकर हादसा हो सकता है, जान माल की भी जा सकती है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसलिए इस बिल्डिंग को तत्काल गिराया जाए। दिगंबर प्रसाद त्रिपाठी, पूर्व पार्षद, शाहगंज। हाँ, दीवार आ गया।